श्री अरुण सिंह। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सभी देशवासियों के लिए 23 अगस्त का दिन था, समय का लगभग 6 बजे थे, और चाहे छोटे कस्बे का कोई व्यक्ति हो, वहां से लेकर के गली मोहल्ले तक लोगों ने सभी टीवी पे आंख गड़ा करके देख रहे थे कि अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगी, एक एक मिनट की उत्सुकता थी। और यह सभी ने देखा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में पटाखे बजे, लोगों ने मिठाइयां बांटी और सभी देशवासी एकजुटता के साथ, हर्षोल्लास के साथ साइंटिस्टों को भी बधाई दी और प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए अभिनंदन व्यक्त किया। यह बहुत अच्छा हुआ कि इसके बारे में आज संसद में चर्चा करने के लिए आपके माध्यम से सरकार ने इसमें एजेंडा रखा। यह इसलिए भी जरूरी था कि देश के कोने कोने में लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि हमको ध्यान है कि जब इसकी लैंडिंग हुई तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने लिखा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में जो 3 था साइंटिस्ट गए थे, उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग किया, तो उनको यह भी नहीं मालूम था कि उसमें साइंटिस्ट नहीं गए थे, वो राजस्थान सरकार के मंत्री थे। आंदर रिकॉर्ड है। इसलिए अगर इस पे चर्चा हुई है तो देशवासियों को इसके बारे में संसद के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी मिली, और इसके लिए सरकार का अभिनंदन हम करते हैं। मान्यवर, यह वास्तव में गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि जब मैं कहता हूं तो हमारे वक्ताओं ने भी बोला पहले कि अमेरिका, रूस, चीन के साथ हम जो ब्रिटिश क्लब है उसके अंदर हमको शामिल हो गए, उसी के साथ साथ साउथ पोल पे जाने वाला भारत एक पहला देश बना, और रूस का, चाइना का, जहां हजारों करोड़ रुपए एक खर्च करके लूना 25, चाइना E4, वह जितना पैसा खर्च करके उन्होंने इसका जो चंद्रयान का जो उन्होंने बनाने का काम किया, हमारे देश में तो चंद्रयान थी यह भी ऐतिहासिक ही होगा कि 960 करोड़ रुपए का बजट और 613 करोड़ रुपए में ही वो पूरा हो गया। इसके लिए साइंटिस्टों को मैं ढेर सारा बधाई अभिनंदन करता हूं। यह इसलिए भी ऐतिहासिक उपलब्धि है कि जब हम कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, उसके लिए भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका हो, यूके हो, यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी अगर आर्थिक प्रगति हुई है तो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में कांग्रेस के शासनकाल में इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनकी नीतियां के कारण, दूरदर्शिता के कारण, जो पहले भारत 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, और 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2047 तक पूर्ण रूप से भारत विकसित भारत हो जाएगा। यह उसके संकल्प को सिद्धि में बदलने का भी यह काम करेगा। इसके साथ साथ यह इसलिए भी गौरवशाली उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, वह इक्विपमेंट्स है, वह मेक इन इंडिया भारत के बनाए गए हैं। कुछ पार्ट्स को HAL ने बनाया, बेल ने बनाया, अलग अलग कंपनियों ने इसके पार्ट्स बनाए, तो मेक इन इंडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से यह स्वदेशी है। नट बोल्ट से लेकर सब कुछ इसमें स्वदेशी है, इसलिए भारत के लिए यह बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे लाभ क्या होगा,
मानव इसके माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे पहले तो जो हमारे 5 मिनट इसके माध्यम से स्पेस रेवेन्यू को लाभ मिलेगा, डिफेंस सेक्टर के हमारे काफ़ी इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, आयात भी कम होगा, R&D के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हमारे हमको इससे बेनिफिट होने वाली है, स्टार्टअप के माध्यम से स्टार्टअप में भी इसमें काफ़ी हमको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, टेक्नोलॉजी में भी और मेक इन इंडिया में। मैं अंत में इतने में कहना चाहूँगा कि ये तभी संभव होता है जब ऐसा नेतृत्व हो जो भरोसेमंद भी हो और ऐसा नेतृत्व हो जिसपे लोगों को विश्वास भी हो, जो लोकप्रिय भी हो और जो निर्णय लेने वाला नेतृत्व हो, और ऐसा नेतृत्व हो जो त्यागी और तपस्वी भी हो। ऐसा नेतृत्व केवल नरेंद्र मोदी जी में है, इसलिए यह सब संभव हो रहा है और इसलिए दिन प्रतिदिन इतिहास के पन्नों में छोटे मच्छरों से एक एक नए नए उपलब्धि लिखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।